हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आदित्य एक्स वाई जेड में, और मैं आपका दोस्त महेंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कंटोला का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो हम फिर से और एक वीडियो कंटोला के ऊपर लेकर के आए हैं। जी दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा एक कंटोला प्लांट निकल रहा है सीड से, जिसको हमने पिछला साल इस गमले में डाल दिया था। यहाँ पर एक बैंगन का सूखा हुआ पेड़ देख रहे हैं, और इसमें हमने डाल दिया था। बहुत सारे व्यूअर्स को हमने लास्ट ईयर कंटोला के सीड्स भेजे थे। हम खुद भी थोड़ा चेक करना चाहते थे कि हम जो सीड्स भेज रहे हैं उनमें कुछ पौधे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। हमने कुछ सीड्स डाल दिया था, तो उसी साल कुछ सीड्स में पौधा निकल आया है। मैक्सिमम 6 से 12 इंच तक होके रह गया था। ये देखिए, ये वीडियो हमारा लास्ट ईयर का है, जो हमने कंटोला का सीड इधर डाला था। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कंटोला का प्लांट है, और छोटा रहता है तो ऐसा दिखता है। ये लास्ट ईयर का वीडियो है। कुछ पौधे लास्ट ईयर निकले थे और कुछ इस साल निकल रहे हैं उसी सीड से। कुछ सीड से नहीं निकले थे, इस साल निकल रहे हैं। और जो सीड्स पिछला साल निकल गया था और 6 इंच 8 इंच हो गया था, उनका इस साल कंद बन गया है। हम अभी इन सब का हम कंद आपको दिखाएंगे, जो फिर से जनरेट हो रहे हैं। ये सब देखिए दोस्तों, ये इस साल का वीडियो है। यहीं पर हमने देखा था एक कंटोला का प्लांट, 2-3 इंच का ही हुआ था, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, यहीं पर ही था। हम बड़ी सावधानी से वो कंद निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर एक बैंगन का पौधा है और इस बैंगन के पौधे में कांटे हैं, बहुत सारे कांटे होते हैं इसमें, इस वैरायटी के बैंगन के पौधे में। ये देखिए दोस्तों, ये पिछला साल का कंटोला का प्लांट का कंद है, जो प्लांट 2-3 इंच ही हुआ था और उसका जेंडर भी पता नहीं चल पाया था। थोड़ा बड़ा होने से पता चलेगा, लेकिन छोटा रहने से वो फल फूल नहीं आएगा, इतना छोटा ही रहेगा। ये भी एक छोटा सा कंद था जिसको हमने लगाया था। आप लोग देख रहे होंगे कि हम मिट्टी में सिर्फ गोट मैन्योर ही दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं। ये कंटोला के लिए आप मिट्टी थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज से रखने से अच्छा होगा। वेल्डन करने के लिए आप थोड़ा रेत मिला सकते हैं, नहीं तो 80% आप मिट्टी ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक कंद से निकला हुआ है। यहाँ पर एक कंद है, हमने यहाँ पर लगा दिया था, और अभी उसका वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया उसका। अभी चलेंगे छत पर, जहाँ पर एक पुराना कंद का हम कटिंग लेने जा रहे हैं, छत पे जहाँ पर ये शूट्स अभी निकल रहे हैं, हम इसको काटेंगे। और क्योंकि देखिए, अभी जो रूट्स ट्यूबर से निकल रहा है, इसमें नोड्स बहुत पास पास है। आप देख सकते हैं नोड्स बहुत पास पास है, इसे लगाने से एकदम से आपका चल जाएगा। बाहर बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है, और आप छाँव में भी रखेंगे तो भी बहुत गर्मी होगा। लेकिन ये दूसरा कोई
रह सकता है नहीं रह सकता है, लेकिन कंटोला चल जाएगा। उसका थोड़ा सा प्रोसीजर है, हम उसको आपको अभी दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये तीन हमने गमला रेडी कर लिया और इसमें कटिंग टिन लगा दिए हैं। गर्मी का मौसम में मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाता है, गर्म हो जाता है और पौधे का जो रूट्स निकलता है वो जल जाने का खतरा रहता है। इसीलिए मैं जितना भी कटिंग करता हूँ ये ईंट देकर ही करता हूँ। ये ईंट पहले लगा दूँगा। ईंट लगा देने से ईंट का नीचे वाला जो पोर्शन है वो मॉइस्ट ही रहेगा, और मिट्टी का ईंट है और ये भी पानी पकड़ के रखता है। और एक डंडी भी हमने लगा दिया है, डंडी आप देख सकते हैं थोड़ा हाइट में लगाया है। और इस डंडी में हम पेपर का एक कैप बनाएंगे और वो कैप उसको लगाएंगे। हमारा ये जो तीन जो पॉट्स हैं ये हमने छांव में भी रखा है, फिर भी हम इसके ऊपर कप लगा रहे हैं। और ये कप को भी हम पानी से भिगोएंगे। अगर हम कैप नहीं लगाते हैं गर्म के मौसम में तो जितना गर्म हवा है उससे प्लांट झुलस जाएगा। मैं कम से कम दिन में 3-4 बार इस न्यूज़पेपर कप को भिगोता हूँ। यहीं पर कुछ हमारे कटिंग्स पहले से ही रेडी हुआ है, यहीं पर शेड्स में हमने रेडी किए हैं। पीछे वाला थोड़ा आप देख सकते हैं वो सब थोड़ा सेटल हो गया है, और आगे वाला हमने सेटिंग यहाँ पर देखिए ये क्लाइंबर्स भी निकल रहा है और ये थोड़ा सेटल हो गया है, इसीलिए हमने इसका कैप सब निकाल दिया है। लेकिन ईंट अभी भी है, अगर ईंट नहीं रखेंगे तो मिट्टी गर्म हो जाएगा और रूट्स बहुत थिन होते हैं, नाजुक होते हैं तो जल जाएगा, इसीलिए मिट्टी का ईंट लगाते हैं। ये देखिए ये एक ट्यूबर से कटिंग लिया गया है, इसलिए उसका जो स्टेम का पोर्शन है वो बहुत थिक वाला है, ठीक है। हमने पिछला साल कुछ कंद लगाया था, उसका सब निकल रहा है, 5-4 इंच 5 इंच का हो रहा है, तो हम उसको कटिंग ले जा रहे हैं। क्योंकि हमारा और एक एक्सपेरिमेंट इधर चालू है, वो है कि हम थोड़ा देख रहे हैं कि सिर्फ फीमेल का कटिंग हम लगा रहे हैं, देखेंगे कि सर वो क्लोन बनता है कि वो अपना जेंडर चेंज कर लेता है, ऐसा कुछ हम देखेंगे। अगर पूरा फीमेल होगा तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, सीड से ग्रो ना करके। ये देखिए ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है, और ये जो है ये ट्यूबर से कटिंग लिया है हमने। पीछे वाला जो देख रहे हैं वो एक कटिंग हमने लगाया था, वो स्टेबल हो गया, तो वो स्टेबल कटिंग से हमने कटिंग लेकर उधर लगाया है, उसीलिए उसका स्टेम बहुत ही पतला है। लेकिन ये आगे वाला है, इसका ट्यूबर से लिया गया है, इसीलिए स्टेम थोड़ा थिक है। हम देखेंगे कि कौन सा प्लांट हमारा चलता है। जब गर्मी में आप कटिंग लगाएंगे, हम इसको बार बार इधर से इधर नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए हमने एक ही बार में हमने गमले में लगा रहे हैं कटिंग कटिंग को, और कहीं इधर उधर प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं, इसीलिए हम ईट ईट का सहारा ले रहे हैं और डंडी और कैप का सहारा ले रहे हैं। ये दोनों का हम अपडेट थोड़ा बाद में भी देखेंगे। मेरा सिर्फ एक ही इस साल जितना भी हमने कटिंग लगाया एक कटिंग हमारा ख़राब हो गया था, थोड़ा बारिश बारिश कर रहा था, हमने कैप लगाया नहीं, थोड़ा उसको हवा मिलती रहे। लेकिन हम जब ऑफिस चले गए
तो बहुत तेज़ धूप निकल आया और हमारा एक कटिंग, हम उस आने के बाद उसको कैप लगाए, लेकिन तीन में से पहले तीन कटिंग लगाए थे उसमें से एक ख़राब हो गया। ये देख रहे हैं, ये हमारा अपडेट है जून महीने में। हमारे सारे कटिंग्स अभी बहुत सा अच्छी तरह से खिलने लगे हैं, चलने लगे हैं, और उनका देखिए आप, ये कटिंग्स का हमने बोल रहे थे, यही कटिंग देखिए, आगे वाला ट्यूबर का कटिंग है, इसका भी हमारा क्लाइंबर्स निकल रहा है, अच्छा चल रहा है, और पीछे वाला भी देखिए, ये भी चल पड़ा है। उसका स्टेम अभी भी वैसा ही पतला है, लेकिन उसका भी क्लाइंबर्स निकल आया है, मीन्स वो भी स्टेबल हो गया है, और उसको भी वो एक प्लांट बन जाएगा। हमारा कटिंग पहले से ही यहीं पर है, यहीं पर सुबह की 2 घंटे धूप मिलता है, आज भी अच्छी तरह से धूप खिला हुआ है। ये देख रहे हैं सब कटिंग्स बहुत अच्छी तरह से निकल पड़ा है, तो हम इसको शिफ्ट करने का टाइम अभी आ गया है, लेकिन हम ईंट अभी भी नहीं हटाएंगे जब तक कि बारिश अच्छी तरह से ना आ जाए। यहाँ पर भी कुछ कटिंग्स लग गए हैं, ये जो पहला वाला है ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है, और अच्छी तरह से सेटल हो जाने के बाद यहीं से भी हमने एक कटिंग लेके उसको भी, और एक प्लांट रेडी किया है, वो भी चल पड़ा है। हम इन सारे प्लांट्स को शिफ्ट करने के बाद उसका अपडेट वीडियो हम आपको और एक वीडियो के माध्यम से देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।